जी हां दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड मामले की वजह से जेल की सलाखों के पीछे बंद पहलवान सुशील कुमार को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आप सभी को बता दें, कहा जा रहा है कि वो जेल में अपनी एक नई भूमिका अदा करते नजर आ रहे हैं, जहां पर सूत्रों के अनुसार वो जेल स्टाफ को ही रेसलिंग की टिप्स दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि वो अच्छी बॉडी बनाने की चाहत रखने वाले जेल स्टाफ के लोग उनसे सलाह ले रहे हैं कि डाइट में ऐसा क्या क्या खाना चाहिए जिससे उनका शरीर मजबूत रहे। तो सूत्रों के अनुसार यह कहना है कि सुशील से बॉडी बनाने की टिप्स जानने के लिए तिहाड़ की जेल नंबर 2 में सुबह शाम बॉडी बिल्डिंग पाठशाला शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए सुबह शाम पहलवान सुशील अपने सेल के बाहर जेल स्टाफ को इस तरह से टिप्स दे रहे हैं मानो वो वहाँ के गुरु बन चुके हैं। दोस्तों वहाँ पर उनकी काफ़ी लोग इज्जत भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं जो काम उन्होंने किया था। अगर देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ सुशील कुमार के इस हत्याकांड को हटा दिया जाए, बाकी उनके जीवन में काफ़ी स्ट्रगल रहा है और पूरी तरीके से वो कह सकते हैं कि खेल प्रेमी रहे हैं। लेकिन जेल स्टाफ उनकी ओलंपिक मेडल तक की दौड़ के किस्से जानने से लेकर उनसे टिप्स ले रहा है ताकि उनका भी वहाँ पर ध्यान लगा रहे और अपनी एकाग्रता को ना भंग होने दें और जो उनका मन लगा रहे। दोस्तों अब ऐसे में इन स्टूडेंट्स में अधिकतर जेल के वार्डर यानी कि सिपाही लोग शामिल हैं जो अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छा निखारना चाहते हैं अपने शरीर को लेकर। वैसे सूत्रों का कहना है कि हेड वार्डर और अन्य जेल अधिकारी भी उनसे किस्से सुनने और टिप्स जानने के लिए सुशील से मिलने की कोशिश करते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि इसमें कैदियों को इसलिए शामिल नहीं किया गया कहीं वे इस तरह की टिप्स लेकर जेल के अंदर माहौल ख़राब न करना शुरू कर दें, इसलिए कैदियों से अलग अलग उनसे जेल स्टाफ मिलकर इस तरह की टिप्स ले रहा है। इस बीच उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा जब भी वह अपने सेल के अंदर और बाहर एक्सरसाइज करते हैं तो जेल स्टाफ उन्हें ऐसा करते हुए देखता ही रह जाता है। फिलहाल सूत्रों का कहना है कि वह इस समय टीवी के सामने से हिलते नहीं क्योंकि टोक्यो के इवेंट्स जो चल रहे हैं और ओलंपिक का तो उनसे पुराना ही नाता रहा है। भारत देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे जिन्होंने 2 मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार जीते थे, 2008 में बीजिंग में ब्रॉन्ज मेडल, 2012 में सिल्वर मेडल। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।